समाज कल्याण विभाग राजस्थान के द्वारा जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उन सभी की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप सेट बॉक्स की शुरुआत की है, जिसके अंदर एक मोबाइल फोन नंबर जारी किए हैं। उस नंबर को आप सेव करके हाई करके मैसेज भेजेंगे तो जितनी भी सरकारी योजनाओं की जानकारी है वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन योजनाओं की जानकारी आपको किस प्रकार से प्राप्त करनी है, तो ये दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और एक बार मैं आपको प्रोसेस करके कंप्लीट डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इसे आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप के अंदर ओपन करके आपको एक मैसेज भेजना है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हाई करके जिस प्रकार से मैंने भेजा है। उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा जो भी आप देख सकते हैं हेलो वेलकम टू द सोशल जस्टिस ये वाला। उसके बाद एक और मैसेज मिलेगा और उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए कहा जाएगा हिंदी या फिर इंग्लिश। आप लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे तो आगे आपको किस योजना में जानना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट मिलेगी, सभी सरकारी योजनाओं की एक लिस्ट मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि वो जो अंत में लिस्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अभी आप देख सकते हैं अनुप्रति कोसिंग मुख्यमंत्री कन्यादान पालनहार छात्रवृत्ति या फिर पेंशन योजना। तो फॉर एग्जांपल मुझे कन्यादान के ऊपर जानना है या फिर अनुप्रति कोसिंग, उसके ऊपर क्लिक करके सेंड पे क्लिक करूँगा तो मैंने कन्यादान योजना का सिलेक्शन किया तो मुझे यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आपका स्वागत है इस प्रकार से मैसेज मिला और एक वापस मुझे लिस्ट मिली। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ और ये लिस्ट है। तो लिस्ट के ऊपर आप वापस क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये लिस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक किया। योजना के बारे में पात्रता मापदंड यानी कि इस योजना की किस प्रकार की जानकारी की जरूरत है उस वाले ऑप्शन का चयन करना है। फॉर एग्जांपल आपको योजना के बारे में कुछ एक जानकारी की जरूरत है तो ये क्लिक करके सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो योजना की जानकारी कंप्लीट आपको मिल जाएगी। अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं योजना की कंप्लीट जानकारी आ चुकी है। उसके बाद अब आप क्या जानना चाहते हैं एक और मैसेज आएगा और उसके बाद मुख्य मेनू पिछला मेनू या फिर सेट बंद करें यानी कि आगे आपको कोई भी नहीं जाना तो सेट बंद करें पर क्लिक करेंगे और आपका काम समाप्त हो जाएगा। और किसी सरकारी योजना के बारे में जानना है सेट बंद करके तो आप यहाँ पे हाई करके वापस मैसेज करेंगे और इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। तो ये था यहाँ पे समाज कल्याण विभाग का सेट बॉक्स और इसका इस्तेमाल करने का तरीका और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने का तरीका। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों।